चिरानी बामना दर्मा चिरानी ओहो आलू लफो झोलंदनी गंत मरानी आहा दर्मा चिरानी बामना दर्मा चिरानी आलू लफो झोलंदनी गंत मरानी 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 ये व्हाट्स अप पीपल। सो लास्ट टाइम जो मेरा धर्मा ट्रैक ब्लॉग था वो मुर्थिंग में ख़त्म हुआ था, देन आई एम स्टार्टिंग अगेन माय न्यू जर्नी ब्लॉग फ्रॉम मुर्थिंग टू धर्मा वैली। एंड अब इस टाइम लाइक ये है अगस्त एंड लाइक आई गेस आज 18 अगस्त है एंड हम लोग जा रहे हैं धातु मेला में जो अभी एक आज से स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। लाइक आज पूजा है, कल से मेला है, राइट और एक कुछ गेम्स इवेंट होंगे एंड और लाइक आई गेस आई हैव लॉट ऑफ लाइक यू नो एक्सपेक्टेशंस एंड यू नो बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि अब क्या होगा नेक्स्ट, अब क्या होगा, लेट्स सी। एंड आई गेस एंड अभी मैंने जर्नी डायरेक्ट लाइक ये वोटिंग से स्टार्ट हो गई, अब डायरेक्ट धातु के लिए एंड उसमें आपको दिखाएंगे लाइक हलचल एंड यू नो आई गेस ये थोड़ा ये डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू मेरे पास्ट ब्लॉग्स से एंड वो ब्लॉग्स भी नहीं थे, लाइक इसको भी ब्लॉग्स नहीं कहूँगा बिकॉज ये जस्ट रैंडमली मैं शॉर्ट ले रहा हूँ एंड आई होप आपको पसंद आएगा एंड आई गेस आपकी लाइफ भी बहुत ही रॉक एंड रोल टाइप की चल रही होंगी एंड रहनी भी चाहिए बिकॉज लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होनी चाहिए बिकॉज तभी आप लाइफ में हमेशा खुश रहते हो एंड एन्जाइटी एंड डिप्रेशन से थोड़ा दूर रहते हो, राइट। सो आओ चले चलते हैं। सो ऑल सेट, हम लोग निकल चुके हैं आगे के लिए एंड ये पूरी छत वाली राइड है जो बहुत ही, और ये मेरे सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं जर्नी शेयर कर रहा हूँ एंड ऑल आर वेरी एक्साइटेड आई गेस।
ग्राम केजीएफ की ओर से ये पहला सर्विस किया गया था और बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन आज ग्राम केजीएफ और बॉलिंग की टीम के द्वारा ये बहुत बेहतरीन 26 रिव्यू पॉइंट है। मैं हूँ शिकारी धारों का पानी क्योंकि बंदा हूँ मैं एकदम पूरा पहाड़ी सबके दिलों पे बज जाओ मैं रहूँ भी जहाँ भी क्योंकि बंदा हूँ मैं एकदम पूरा पहाड़ी शेर की सवारी और पहाड़ी की यारी किस्मत वालों को मिली दुश्मनों को पड़ी भारी पहाड़ी पहाड़ी मैं हूँ बंदा पहाड़ी 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 मैं हूँ बंदा पहाड़ी घुसू अंदर लगे मुझको जंगल घना हूँ मैं पहाड़ी पर न पीऊँ मैं मारिजुआना हाथ में चचे कलम जिसके लिए मैं बना हाय मेरी फीलिंग फीलिंग कभी घटे ना अपने व्हाट्सएप पीपल। सो हमें एक दिन पूरा हो चुका है और एक दिन बाद हमने कैमरा निकाला बिकॉज यहाँ बहुत झमाझम बारिश हो रही थी और थोड़ा यहाँ पे और बहुत मज़ेदार गेम्स हुए वॉलीबॉल गेम हुआ जिसको मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाया और या फोंगलिंग का गेम हुआ जिसको बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया अफसोस होता है बट क्या करें कैमरे से प्यार भी बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोग निकले हैं जस्ट बारिश रुकी हुई है मौसम बहुत सही हो रहा है घूमने लायक बिल्कुल और अभी हम दातू से हल करके वॉक करते करते दुकदुक की तरफ जा रहे हैं जो जो पूरी पिंक हो रखी है और इतने गुलाबी गुलाबी इश्क बढ़ रहा है थोड़ा उससे एंड उसको पलती को फापड़ बोलते हैं तो यहाँ पे उसी की खेती होती है और उसी से रोज़गार चलता है। मैं सही बोल रहा हूँ जैन क्या गणेश मू सही बोल रहा हूँ। सो हमारे साथ है जाने माने हस्तियाँ हमारे रंग राजों के इन चेहरों को तो आपने बहुत देखा होगा बट आज बहुत पास से दिखाएंगे हम आपको। ये हमारे हैं गणेश मू जो सीधे पीछे वाले गांव से पीछे जो गांव देख रहे दुकतु वहाँ से है और उसके उनके बगल में जो साथ में चल रहे हैं ब्लू जैकेट में वो है लक्की गुंजल जो है गुंजी से वो मुस्कुराते हुए और ये मेरा भाई आया है पुणे से राइट लेट्स सी हाउ्स इट बिल्कुल। सो हमारे धारवा में एक कॉटेज बन रहा है पीछे बट स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 and 4 फोर कॉटेज है लाइक अमेजिंग कॉटेज है एंड व्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है लाइक अपना बैक साइड यहाँ पंचाचूड़ी दिखने वाला है इस साइड और लाइक इस साइड पूरे गांव का व्यू दिखने वाला है दैट आप देख रहे हो लैंडस्केप इज रियली ब्यूटीफुल अभी थोड़ा ऐसा है धुंधा रखिए एंड ठीक पीछे यहाँ पे खेत होते हैं लाइक फलती के खेत है सबको राइट अमेजिंग व्यू होने वाला है और अभी ऐसा दिख रहा है इफ यू विल सी इन मे बी शायद आफ्टर 2-3 महीनों में लाइक 3-4 महीनों में जब जैसे जैसे काम कम्प्लीट होगा जल्दी एंड आई गेस बहुत अच्छा आई गेस कॉटेज होने वाला है आई गेस ये फर्स्ट कॉटेज है यहाँ का जो इतना लग्जरी बन रहा है एंड अमेजिंग गाइस धर्मा भी आओ एंड मोस्ट पीपल आते हैं धर्मा राइट सो मैंने पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ कि वो कपल ऑफ डेज या 3 डेज़ के लिए आते हैं पंचाचूड़ी बेस कैंप जाते थे ना कि विजिट करते डैट्स इट और वापस चले जाते हैं। सो आप लोग साइड सीन में जाइए दूसरे विलेज में जाइए आसपास के बुकयार्ड चेक करिए राइट वो बहुत अमेजिंग है लाइक बहुत ब्यूटीफुल भी है गाइस बिलीव मी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ और यहाँ के हर चीज़ से ना मैं बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हूँ सो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ एंड और मेरा यहाँ पे मतलब आप बिलीव नहीं करूँगा मैं एक ही लोकेशन मैंने यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ सो मैं कभी बोर नहीं होता हर बार ना मिले
नया चीज़ होता है और नई नई चीज़ें देखती है, नई नई चीज़ जाने के लिए मिलती हैं, एंड यू नो एवरी टाइम इज रियली न्यू एक्साइटमेंट। सो गाइस बिलीव मी, आपको जरूर आना चाहिए। ये आप जी उसकी तरह था अब कौन जा पाए गली से दस के नीचे ऊपर चढ़ नहीं पाते। सो कुछ ऐसी मेमोरी तो बताइए आप अपनी। और यहाँ पर जो है इसकी बैक साइड में जो है यहाँ से ऐसे घूम के आते हैं।